तो सुना आपने मूलचंद शर्मा मंत्री को, और अब आप अगली खबर को सुन लीजिए जहां पहलवान साक्षी मलिक का एक ट्वीट सामने आया है। ट्वीट कर लोगों से अपील की है उन्होंने। क्या अपील की है ये आपको बता देते हैं। 23 मई धरने का एक महीना पूरा होगा, साक्षी मलिक ने कहा है। इस मौके पर इंडिया गेट पर कैंडल मार्च करेंगे, साक्षी मलिक ने कहा है। साक्षी मलिक ने लोगों को इस मुहिम से जुड़ने के लिए अपील भी की है। तो देखिए, साक्षी मलिक ने और लोगों का भी समर्थन यहां पर मांगा है। उन्हें कहा है कि आपको भी इस मुहिम से जुड़ना चाहिए हमारे साथ। पहलवान साक्षी मलिक का ये ट्वीट कर लोगों से अपील की है उन्होंने। 23 मई धरने का एक महीना पूरा हो जाएगा 23 मई को। इस मौके पर इंडिया गेट पर एक कैंडल मार्च निकाली जाएगी। साक्षी मलिक कह रही हैं, कैंडल मार्च हम निकालेंगे जिसमें आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, हमारा सहयोग करिए। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ये साक्षी मलिक का ट्वीट, जहां पर वो और लोगों से भी इस मुहिम में जुड़ने के लिए समर्थन मांगती नजर आई हैं। और कैंडल मार्च का ऐलान जो है वो पहलवानों की तरफ से किया गया है। 23 मई को ये कैंडल मार्च जो है वो निकाला जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस मौके पर इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाली जाएगी। और जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अरुण मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए, आज फैसला लेने की घड़ी थी, कोई बड़ा फैसला होने का ऐलान हो सकता था यहां पर। साथ ही एक बड़ा ट्वीट जो है ये सामने आ गया है, कैंडल मार्च निकालने की प्लानिंग अब पहलवान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी जो बैठक है वो चल रही है। मैं भी खास पंचायतें हैं वो पहुंची हुई हैं, चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, पंजाब की, राजस्थान की, यूपी की सभी जो खास पंचायतें हैं, और जो संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और बीकेयू के अध्यक्ष राकेश कैसप वहां पे मौजूद है। हो सकता है कि 3 से 4 बजे के बीच में कोई फैसला वो ले और उसका जो है अनाउंस भी कर दे कि आगे की जो उनकी प्रक्रिया है वो किस प्रकार रहेगी। इसके अलावा जो है 23 तारीख को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। बजरंगपुरी की तरफ ये कहा गया है कि सभी उनका साथ दें और शांतिपूर्वक जो है कैंडल मार्च निकालें। इससे पहले मैं बता दूं आपको, कल भी जो पहलवान है वो क्रिकेट मैच देखने गए थे, जो जिसका विरोध पुलिस द्वारा किया गया है, उनको जाने नहीं दिया गया ऐसा उनका कहना है। मगर पुलिस का भी जो बयान आया था कि हमने किसी को रोका नहीं, जिनके पास टिकट थे हमने उनको जाने दिया। वही इन्हीं का ये कहना था कि हमारे पास 5 लोगों के पास थे और हमारे पास टिकट थे और हमें जाने नहीं दिया गया, बिकॉज क्योंकि हमारी टी शर्ट पे जो है पहलवानों के समर्थन में आने के लिए लोगों से अपील की गई थी, वो टी शर्ट पे लिखा हुआ था। अदरवाइज उसके अलावा इनके पास कोई बैनर नहीं था, कोई ऐसा प्रोटेस्ट का सामान नहीं था, फिर भी इनको रोका गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अरुण। तो देखिए, ये जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है कैंडल मार्च में, और लोगों से भी समर्थन पहलवानों ने मांग लिया है। दूसरी तरफ एक और जो बैठक चल रही है उसका इंतजार है कि बैठक में क्या कुछ फैसला खापों की तरफ से लिया जाता है। तेईस मई को धरने का एक महीना पूरा होने जा रहा है, और ऐसे में पहलवान साक्षी मलिक का ये ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहीं ना कहीं बाकी लोगों से भी समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा है कि हमारा समर्थन दीजिए इसमें।